नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने आई हूँ क्रिया योग के अभ्यास को लेकर। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या जिसने कभी क्रिया योग नहीं किया है, उनको थोड़ा एडवांस लग सकता है, तो वो मेरे पीछे पिछले वीडियो और पिछली प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं शुरू। तो आज मैं आपको दो तीन चीज़ें नई भी बताने वाली हूँ, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि अब हम क्योंकि काफ़ी एडवांस्ड प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो हम बंद के बारे में थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हो सकता है जब आप बंद की प्रैक्टिस करें तो आप ना कर पाएं, लेकिन अगर आप इसके बारे में जानते हैं और लगातार सुनते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा और वो आप अभ्यास करेंगे तो धीरे 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 वो आता चला जाएगा। तो आज हम बात करेंगे मूलाधार बंध की। मूलाधार बंध है क्या? इसमें आपका जो एनस है यानी मल द्वार है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी वजाइना या आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको जिस तरह से हम यूरिन रोकते हैं या अपना मल रोकते हैं, हमें मान लीजिए कभी ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह से हमें इसको टाइट करना है। ये जो मूलाधार बंध है, इससे आपको कई सारे और फायदे होंगे हेल्थ वाइज, कि आपका यूरिन वाले इश्यूज़, आपके रिप्रोडक्टिव इश्यूज़, कई इश्यूज़ आपके सॉल्व होंगे। तो इसमें आपको शुरुआत में आप सांस भरिए और सांस भरने के साथ उसको खींच के रोक लीजिए, कुछ सेकंड रोकिए और फिर सांस छोड़ दीजिए। इस तरह से अभ्यास करना है। और इसमें मैं आपको बता दूंगी क्रिया योग में किस लेवल पर हम इसको करें, फिर वो आपके सिस्टम में आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है। अच्छा, अब आपको उम्मीद करती हूँ मूलाधार बंध समझ आ गया होगा, हमारा शरीर अब प्रिपेयर हो चुका है मूलाधार बंध के लिए। क्योंकि अगर जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो जैसा मैंने बताया, हमेशा बताती आई हूँ, आप अपना कोई भी पोजीशन, कोई भी जगह जो आपकी पसंद की है, जिसके जगह मैंने बता दिया है कि किस तरह से आपको अपनी जगह का चुनाव करना है, समय का चुनाव करना है और अपने पोजीशन का चुनाव करना है, और अपने कपड़े जो हैं आपके बिल्कुल कंफर्टेबल हों और टेम्परेचर बिल्कुल सही हो, ऐसा ना हो कि आप ठंड लग रही हो तो नहीं कर पाएंगे। तो उस तरह से हमने जब पोजीशन ले ली, उसके बाद हम अपना सबसे पहले शुरुआत करेंगे अनुलोम विलोम से। तो अनुलोम विलोम के लिए आप इस तरह से राइट को पकड़ा, ऐसे बंद किया और लेफ्ट से छोड़ा, बिल्कुल धीरे से छोड़ेंगे और छोड़ते समय ह की ध्वनि निकलती है अपने आप, फिर इसी से लेंगे। इसको बंद करेंगे और राइट से छोड़ेंगे। अब यहां से भरेंगे, ये एक साइकिल हो जाएगा, फिर इधर से ठीक इसी तरह से। इस तरह से आप कोशिश करें जब तक आपको शांत और अपना मन शांत हो जाता है। आप 5 मिनट, 10 मिनट या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अब हमें उज्जयी प्राणायाम करना है। उज्जयी प्राणायाम कोई भी जोर लगाने वाला प्राणायाम नहीं है, अनुलोम विलोम भी जोर लगाने वाला नहीं, सिर्फ सिंपल है। उसको सिर्फ आपको बंद करना और खोलना है, सांस लेने में कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो उज्जयी प्राणायाम के लिए आप कोई भी ऐसी पोजीशन ले लें जिसमें आपकी चेस्ट खुली रहे। अगर आपको लगता है तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, हाँ, कोई तकिए पे कैसे भी चेस्ट खुली रहे। उसके बाद आपको और ध्यान रहे कि आपका जो
बटक्स हैं वो चेस्ट से नीचे वाली पोजीशन में रहें, इससे हमारी चेस्ट और ज़्यादा खुल जाती है। तो अब जब आपने ये पोजीशन ले ली, अब आपको अपनी सांस छोड़ने से शुरू करेंगे। तो शुरुआत हम सांस छोड़ने से करेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे और छोड़ते छोड़ते हम वहाँ तक जाएंगे जिसमें हम आगे और नहीं छोड़ सकते। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि, और छोड़ते समय आपका हा की ध्वनि आएगी, और नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप सुनने का प्रयास करें। तो इस तरह से आप उसका ध्वनि का सुनने का प्रयास करें, और जब उसके बाद अपने आप सांस अंदर ली जाएगी, सांस छोड़ते समय आप यहाँ से सांस छोड़ेंगे और सांस लेते समय आप अपने लंग्स के बेस से भरना शुरू करेंगे। तो लेते समय वहाँ, और लेते समय हमें स की ध्वनि सुनने का प्रयास करना है, उससे हम बेहतर कर पाते हैं। और दोनों लंग्स को यानी दोनों फेफड़ों को हमें नोट करना है कि कौन सा फेफड़ा ज़्यादा अच्छे से खाली हो रहा है और कौन सा कम हो रहा है। सिर्फ ध्यान देंगे, फिर वो अपने आप एडजस्ट करके, अगर मान लीजिए कोई ऐसे एडजस्ट करना है तो वो कर लीजिए, नहीं तो आप इसको करते रहेंगे तो दोनों फेफड़े अपने आप बैलेंस होके एफिशिएंटली काम करेंगे। ये हमारा हो गया उज्जयी प्राणायाम, ठीक है। उसके बाद हम जो है 20 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं जब आपको लगता है कि आपके लंग्स अब खुला खुला आपको महसूस हो रहा है। उसके बाद अब हमें अभ्यास करना है अपना मूलाधार बंद का। मूलाधार बंद के लिए जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि अपने एनस और यूरिन, वेजाइना, इस सबको टाइटली होल्ड करने की कोशिश करिए। इतना टाइटली करिए सांस भरते हुए, इतना टाइटली करिए कि जैसे वो तीनों चीज़ें आपकी स्पाइन को टच कर रही हैं, ठीक है। तो इसको करिए, पहले सांस छोड़ी, फिर उसके बाद सांस भरते हुए इसको टाइट कर लिया, ठीक है। सांस छोड़ी और आप देखेंगे फिर इसको लेकिन टाइट ही रखेंगे तो बेटर है। और कभी भी याद रखें जो मैंने पहले बताया है, सांस छोड़ते समय जो है आपका पेट खाली होगा और सांस भरते समय आपका पेट फूलेगा नहीं, तो चेस्ट उससे ज़्यादा बेटर काम करती है। तो अब हमने मूलाधार बंद के कुछ अभ्यास कर लें, 5, 10, 15, जब तक आपको लगता है आप कर सकते हैं, आपकी क्षमता अनुसार आपने ये अभ्यास कर लिया। अब हम बात करते हैं उड्डयन बंद की, ठीक है, उसका भी अभ्यास ही करेंगे। तो जब हम उड्डयन बंद की बात कर रहे हैं तो पोजीशन हमारी वही है जिसमें हम बैठे हुए हैं। अब हम सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ते समय अपने पेट को बिल्कुल अंदर ले जाएंगे, जितना ज़्यादा अंदर चला जाएगा, और फिर उसके बाद जब हम पेट अंदर ले लेंगे उसके बाद हम फिर हम सांस भरेंगे, और सांस भरते समय हमारे लंग्स भरेंगे लेकिन पेट बाहर नहीं आएगा। इस तरह से जब हम अभ्यास करेंगे कि हर बार आप देखेंगे कि सांस छोड़ते समय आपका पेट अंदर जाएगा और सांस ले, और पेट अंदर जाएगा, चेस्ट बाहर आएगी, और फिर जब हम सांस भरेंगे तो चेस्ट और बाहर आएगी और पेट हमारा वहीं का वहीं रहेगा। इस तरह से हमारा जो कोर है, हमारे अंदर के ऑर्गन्स पूरी तरह से मसाज हो जाते हैं, उनकी मालिश हो जाती है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो उड्डयन बंद में आपको जो मूलाधार बंद के साथ, ये दोनों, जब उड्डयन बंद होता है तो मूलाधार बंद भी लगता है अपने साथ ही, तो इसमें पूरा है, तो हम इसका अभ्यास करेंगे। जब हमने इसका अभ्यास अच्छे से कर लिया तो हमारा सिस्टम खुल भी जाएगा, हमारे चैनल्स एक्टिवेट ज़्यादा हो जाएंगे और साथ के साथ हमारा जो है एक्टिवेट भी हो गए, और हमारी बॉडी के सिस्टम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट आ गया। अब मैं कल जब आपको क्रिया योग का अभ्यास बताऊंगी तो जालंधर बंद बताऊंगी, वो कैसे होता है वो भी बताऊंगी। तो अब ये हमने अपने सिस्टम में ये सारी चीज़ें जब इनकलकेट कर ली, सारी सम्मिलित कर ली, तो उसके बाद हम क्रिया योग का अभ्यास पर आते हैं। जी हाँ, ये तैयारी थी। तो अब क्रिया योग का अभ्यास करते समय फिर से वही है कि सांस छोड़ते समय यहाँ से खाली करेंगे, शुरुआत हमेशा सांस छोड़ने से करेंगे,
सांस छोड़ते जाएंगे छोड़ते जाएंगे छोड़ते जाएंगे और फिर हम सांस भरेंगे। आप देखेंगे कि आपका जो पेल्विक एरिया है वो एक्टिव हो चुका है, तो वो ज़्यादा अच्छे से वो श्रिंक ही थोड़ा सा उसमें फीलिंग श्रिंक वाली रहती है। तो इसको हम करते करते जब हम करेंगे इस तरह से छोड़ते गए छोड़ते गए छोड़ते गए, फिर हमने सांस भरी और सांस भरते समय हम देखते हैं कि हमारा मूलाधार बंद कहीं छोटा मोटा लग जाता है। फिर हम सांस भरी 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 और फिर हम सांस छोड़ेंगे। तो इस तरह से जब हम सांस छोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमें जो है जब हमने सांस छोड़ी ऊपर की तरफ और सांस हमने नीचे से भरनी शुरू करी तो एक साइकिल बन जाता है और हमें वो जो क्रिया योग का जो अभ्यास है इस तरह से करते जाएंगे। तो इसमें हम जितनी देर चाहे रह सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा पूरा अभ्यास हो गया। उसके बाद जब आपका पूरा अभ्यास जी भर के आपने कर लिया, बीच बीच में बहुत सारी अनुभूतियाँ होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और याद रखिए कि अगर कोई भी चीज़ आपके मन में आती है तो उसको सरेंडर करने का अभ्यास करिए। जी हाँ, ऐसा सरेंडर अपनी आत्मा के अंदर उसको सरेंडर करिए, अभ्यास करिए। मुश्किल है लेकिन जैसी कोई चिंता आती है, कोई बात आती है, अरे ये अरे वो, उसको सरेंडर करिए। हाँ, उससे आपकी जो सोच है वो धीरे धीरे क्लीन और क्लियर होती जाएगी। तो जब ये कर लिया, अब हमें शवासन में आराम से लेट जाना है और अपनी सांस पर ध्यान देना है, उसको फील करना है, खुद को धन्यवाद देना है कि यस मैं कर पाई या कर पाया। और 10 से 15 मिनट आपको शवासन करना है। शवासन आप सीधे ही कर सकते हैं, घुटने मोड़ के कर सकते हैं, साइड पोज वाला भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने शवासन करना है। शवासन करने के बाद आप आपकी आंखें बंद रहें तो राइट साइड में करवट लेकर आपने उठना है। ठीक है, तो राइट साइड में आपने करवट लेकर उठना है। बीच में सॉरी लाइट चली गई थी तो इसलिए वो अंधेरा हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है। राइट साइड में करवट लेकर उठना है, आंखें बंद रहेंगी और बैठने के बाद आप अपने दोनों हथेलियों को आपस में इस तरह से जोर से रगड़ेंगे और जब वो गर्म सी हो जाएंगी तो अपनी आंखों पर रखेंगे। आंखों पर रखने के बाद कुछ सेकेंड बाद आप अपनी आंखें अंदर खोलेंगे और हथेलियां धीरे से हटा लेंगे और अपनी दोनों हथेलियों को इस तरह से सामने करके चूमेंगे और उसको धन्यवाद देंगे। ये आपका क्रिया योग का पूरा अभ्यास है और करते रहिए। हमें अनुभूतियाँ भी होंगी, बहुत सारी अनुभूतियाँ होंगी। बीच में कभी लाइट दिखेगी, कभी कोई देवी देवता दिखेगा, कभी कोई चीज़ एक्सटेसी फील होगी, आनंद का अनुभव होगा। पर उसमें हमें रुकना नहीं है, हमें करते जाना है। ये भी लोभ और प्रलोभन ही है कि बस मजा आ गया चलो छोड़ते हैं, है ना, ऐसे नहीं है। तो इस तरह अभ्यास करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे और आपकी जिंदगी सुखमय हो, आपका दिन बेहतर हो, ऐसा मैं सोचती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। और याद रखिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि पता नहीं आपके जो प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी है, कहीं आप अटके हुए हैं, उसका जवाब आपको कहाँ मिल जाए ये कोई नहीं जानता। तो इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखा करिए और तो कोशिश करिए कि नोट कर लें अपनी नोटबुक में और इस तरह से करिए। तो फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।